अगर आपको पास्ता पसंद है तो आज पेने अराबियाता यानी पास्ता इन रेड सॉस पसंद आएगा। इस रेसिपी के लिए हम होममेड पास्ता सॉस भी बनाएंगे। पास्ता बॉईल करने के लिए एक पैन में हम डालेंगे पानी। अब पानी में जब बॉयल्स आ गए हैं तब हम इसमें डालेंगे नमक और ऑलिव ऑयल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता, मैं पेने पास्ता ले रही हूँ। ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि जो पास्ता का पानी है वो ओवरफ्लो नहीं हो। तो अब आप देखें ये परफेक्टली बॉयल हो चुका है। मुझे ये करने में 9 मिनट गए हैं तो मैं नाइफ़ की हेल्प से आपको काट के दिखाऊंगी। ये फर्म है बट फिर भी इजीली कट रहा है, ये हमारी अलदेंते स्टेज है। तो अब हम एक्सेस पानी को ड्रेन आउट कर देंगे और अब पास्ता को हम रख देंगे साइड में। रेड सॉस बनाने के लिए मैंने ये 5 बड़े टमाटर लिए हैं, ये जूसी टमाटर हैं। तो हमें इस पॉइंट पे आके जो ऑपोजिट ऑफ आई है वहाँ पे हमें इस तरह से क्रॉस के मार्क्स लगाने हैं। तो आप सारे टमेटोज में इसी तरह से मार्क्स लगाएं। ये टमाटर को हम ब्लांच करेंगे। तो ये पानी मैंने गर्म कर लिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने टमेटोज। आप ध्यान रखें हमें इसे बहुत टाइम तक गर्म पानी में नहीं रखना, सिर्फ 1 मिनट तक रखना है। और आप ये भी ध्यान रखें हमेशा उबलते हुए पानी में इसको डालें, नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं। तो अब इसको 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसको निकाल के ठंडे पानी में शिफ्ट करेंगे। इससे जो आपके टमेटोज हैं उनको शॉक मिलता है और जो स्किन है वो ईजिली निकल जाती है। इस प्रोसेस को हम ब्लांच करना बोलते हैं। तो अब आप इस तरह से स्किन को निकालें, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से स्किन निकल जाएगी। अब हम टमेटोस को चॉप करेंगे। आप इसको रफली चॉप करें क्योंकि हमें एनीवेज इसकी प्योरे बनानी है। तो मैं इनको 4 पीसेस में चॉप कर रही हूँ। अब आप इन सबको ट्रांसफ़र करें मिक्सर जार में और हम इसे ग्राइंड करेंगे थोड़ा दरदरा होने तक। बहुत फाइन पेस्ट भी नहीं करेंगे, थोड़ा कोर्स टेक्सचर इसका रहे तो वो सॉस में अच्छा लगता है। अब आप देखें इस पॉइंट पे ये जो थोड़े मोटे पीसेस हैं आप इसको दोबारा ग्राइंड कर लें और ये प्योरे हमारी बन के बिल्कुल रेडी है। अब एक पैन में हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी गार्लिक, रेड चिली फ्लेक्स और ओरेगनो। आप इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं। अब हमें इन तीनों को सौते करना है लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है पास्ता बनाने का। जब आप गार्लिक और हर्ब्स को ऑयल में सौते करते हैं तो वो अपना फ्लेवर रिलीज़ करते हैं। तो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हूँ इस स्टेप को, आप इसको स्किप ना करें और इसको आप हाई फ्लेम पे भी नहीं करें क्योंकि हम चाहते हैं लो फ्लेम में जो गार्लिक का जो फ्लेवर है, जो हर्ब्स का जो फ्लेवर है वो रिलीज़ हो। आप देखें ये अब परफेक्ट हो चुका है। ऑयल भी अगर आप देखें उसमें भी कलर आया है। अब आप इसमें डालें अनियंस और इसको भी हम सौते करेंगे 2 से 3 मिनट तक। अगर आपने मेरी वाइट सॉस पास्ता देखी है या स्पेगेटी पास्ता रेसिपी देखी है उसमें भी मैंने हर्ब्स और गार्लिक को इसी तरह सौते किया है। तो अब आप देखें अनियन हमारे परफेक्टली अब हो चुके हैं। अगर आपको अनियन डालना नहीं पसंद तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ टमेटो प्योरे डालें। तो अब मैंने इसमें डाली है टमेटो प्योरे। अब हम इसे कुक करेंगे, सिमर करेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। आप इसको ढक के पकाएं। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये थोड़ी थिक हो गई है, इसका कलर बहुत प्यारा आया है। तो ये अब इस स्टेज पे बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखें मैं इसको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी आपको, बहुत ही बढ़िया है। अब आप इसमें डालें नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। अब आप फिर से इसको मिलाएं। ओरेगनो हमने पहले ही डाल दिया था तो इस पॉइंट पे हम नहीं डाल रहे। अब आप ट्रांसफ़र करें अपने बॉइल्ड पास्ता।
और इसको आप अच्छे से मिलाएं ताकि जो पास्ता है वो रेड सॉस में परफेक्टली कोट हो जाए। आप ध्यान रखिए, जो अरबियाता पास्ता होता है, जो रेड सॉस पास्ता होता है, वो बहुत सॉसी नहीं होता, वो जनरली थोड़ा ड्राई होता है कंपेयर टू वाइट सॉस पास्ता जो कि बहुत क्रीमी होता है। बट अगर आपको रेड सॉस ज़्यादा पसंद है, अगर आपको ज़्यादा सॉसी है, तो आप वो रख सकते हैं। तो अब मैं इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही सिमर होने दूंगी। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है, सॉस का प्रोपोर्शन भी हमारा बहुत अच्छा है। तो ये लीजिए, तैयार है आपका रेड सॉस अरबियाता पास्ता। मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ ग्रेट किया है ऊपर से, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप इसको ज़रूर बनाएं, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं।